नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मशहूर यूट्यूबर संजय कुमार स्वामी, जो कि शुभ जर्नी नाम के एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और एक बहुत ही फेमस ट्रैवल ब्लॉगर हैं, उनके ऊपर अंडमान निकोबार आइलैंड्स के सेंट्रल क्राइम स्टेशन में एक FIR दर्ज हुआ है। और हम आपको बता दें, ये FIR जो है वो निकोबार टाइम्स में 2 जनवरी को एक रिपोर्ट छपी थी। उस रिपोर्ट के बाद जो है ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जो है सेंट्रल क्राइम स्टेशन में एक कंप्लेन किया, उस कंप्लेन के बाद जो है दर्ज हुआ। हम आपको बता दें, निकोबार टाइम्स के वेबसाइट में और हमने स्टोरी इमेज के थ्रू 2 जनवरी को जो है एक स्टोरी डाला था। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा आपको स्क्रीन में जूम करके दिखाई, ये स्टोरी था वो। और ये स्टोरी का हमने जो टाइटल है वो दिया था, पॉपुलर ट्रैवल ब्लॉगर शुभ जर्नी अपलोड्स 2 व्लॉग्स ऑन यूट्यूब इनडायरेक्टली प्रमोटिंग जारवा टूरिज्म। तो हम आपको बता दें कि शुभ जर्नी नाम के एक चैनल चलाते हैं जो मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर हैं। इनका असली नाम है संजय कुमार स्वामी और ये अपने फैमिली के साथ इंडिया के अलग अलग जगह ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं। काफ़ी मशहूर जो है ये एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं। मैं चाहूँगा आपको दिखाना इनका इसमें कितना सब्सक्राइबर्स है। तो देखिए, शुभ जर्नी ये चैनल है यूट्यूब में और इस चैनल में एट प्रेजेंट 2.22 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो इनके 2.22 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और ये काफ़ी मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर हैं। और दिसंबर के महीने में जो ट्रैवल ब्लॉगर हैं संजय कुमार स्वामी, वो अपने फैमिली के साथ अंडमान आए थे और अंडमान में उन्होंने काफ़ी ट्रैवल ब्लॉग्स बनाए जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। और उनका ट्रैवल ब्लॉग्स जब वो अपलोड कर रहे थे, तब मुझे लगता है हर अंडमान निकोबार के रेसिडेंट को वो यूट्यूब का एल्गोरिदम सजेस्ट कर रहा होगा कि इसको देखो इसको देखो। तो इसी तरह से मुझे भी यूट्यूब ने सजेस्ट किया इनका ट्रैवल ब्लॉग्स। और जब मैंने देखा इनका ट्रैवल ब्लॉग्स, तो कुछ ब्लॉग तो मुझे बहुत अच्छे लगे, जैसे वो शिप से आए थे अंडमान और उन्होंने शिप का ब्लॉग बनाया, कुछ ब्लॉग मुझे बहुत अच्छे लगे। पर फिर मेरा नज़र पड़ा उनके कुछ ब्लॉग्स पे जो मुझे काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल लगा। जैसा कि उन्होंने 2 व्लॉग्स बनाया और दो व्लॉग्स उन्होंने ऐसा बनाया जिसमें उन्होंने क्लिक बेट टाइटल दिया। क्लिक बेट ये होता है कि जब आप इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसा लिखते हो जिसे इंसान अट्रैक्ट हो जाए। तो उन्होंने 2 व्लॉग्स ऐसे बनाए जिसमें क्लिक बेट टाइटल दिया जरवा को लेके। जरवा अंडमान निकोबार के एबोरिजिनल ट्राइब्स हैं और अंडमान निकोबार में एक रेगुलेशन है, अंडमान निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन 1956, जिस रेगुलेशन को 2012 में अमेंड भी किया गया है। तो ये रेगुलेशन जो है अंडमान निकोबार के जितने भी एबोरिजिनल ट्राइब्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। और इस रेगुलेशन के कुछ प्रोविजंस को इन्होंने जो वीडियो अपलोड किया, इस रेगुलेशन अंडमान निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन अमेंडेड रेगुलेशन है 2012 का, उसके कुछ प्रोविजंस को इनका जो वीडियो है उसका उल्लंघन कर रहा था। और मुझे काफ़ी बुरा लगा क्योंकि इनडायरेक्टली जो है इनका वीडियो जो है वो एक तरह से जरवा टूरिज्म प्रमोट कर रहा था। आप जानते होंगे कि अंडमान निकोबार में कितना बड़ा अंडमान निकोबार के टूरिज्म को नुकसान हुआ था जब ये केस सामने आया था जरवा टूरिज्म वाला यहाँ पर कुछ सालों पहले। और इनका वीडियो भी जरवा टूरिज्म इनडायरेक्टली जो है वो प्रमोट कर रहा था, तो मुझे काफ़ी ख़राब लगा था। तो मैंने एक न्यूज़ बनाया था और न्यूज़ में मैंने बहुत ही केयरफुली ट्रेड करके इस बात को सामने ले गया था कि किस तरह से इन्होंने 2 न्यूज़ बनाया और दोनों न्यूज़ में इन्होंने क्लिक बेट टाइटल्स दिए और ये अपने किस तरह से इन्होंने 2 वीडियो बनाया, वेरी सॉरी वीडियो बनाया और दोनों वीडियो में इन्होंने क्लिक बेट जो है वो टाइटल्स दिए। और टाइटल्स क्या थे वीडियो के, मैं आपको बताता हूँ। रात के अंधेरे में जरवा आदिवासी देखने जा रहे हैं, अंडमान आइलैंड बाराटांग डिगलीपुर जरवा, ये इनका एक वीडियो का टाइटल था। और जब मैंने ये न्यूज़ बनाया तब इस वीडियो में 2,37,000 व्यूज़ थे। ये न्यूज़ मैंने 2 जनवरी को बनाया, तो 2 जनवरी के दिन इस वीडियो में 2,37,000 व्यूज़ थे। और फिर इन्होंने 1 जनवरी को फिर से और एक वीडियो अपलोड किया और इस वीडियो का टाइटल था, आखिर समुद्र में जरवा आदिवासी से मिलना हुआ, बाराटांग आइलैंड लाइमस्टोन केव एंड मड वॉल्केनो जरवा।
ये इनका वीडियो का टाइटल था और इस वीडियो में 2 जनवरी को 150,000 व्यूज थे। तो ये सब देख के मैंने एक न्यूज़ बनाया कि ये जो है इनडायरेक्टली जरवा टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर यूट्यूबर हैं। आप जानते हैं यूट्यूब नया मास मीडिया है और यूट्यूब बहुत सारे लोग देखते हैं, मेजॉरिटी जो है लोग आजकल यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब से वो कई चीज़ सीखते भी हैं। यूट्यूब में ट्रैवल व्लॉग्स जो है वो काफ़ी फेमस है, मैं भी काफ़ी ट्रैवल व्लॉग्स देखता हूँ, पूरे इंडिया में काफ़ी लोग काफ़ी ट्रैवल व्लॉग्स देखते हैं, इंटरनेशनली भी लोग ट्रैवल व्लॉग्स देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह के यूट्यूबर जब इस तरह का क्लिकबेट टाइटल्स डाल के, हमारे जरवा को लेके क्लिकबेट टाइटल्स डाल के इनडायरेक्टली जरवा टूरिज्म प्रमोट करेंगे तो ये अंडमान निकोबार के लिए काफ़ी ख़राब होगा, इसीलिए मैंने ये न्यूज़ बनाया। इस न्यूज़ बनाने के बाद हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये FIR का कॉपी है जो मेरे हाथ में है। ये FIR जो है ये सेंट्रल क्राइम स्टेशन, PS सेंट्रल क्राइम स्टेशन में रजिस्टर हुआ है और इसको रजिस्टर कराया है ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के एक स्टाफ ने और उन्होंने क्लियरली यहाँ पर लिखा है कि निकोबार टाइम्स में जो है 2/1/2023 को एक न्यूज़ पब्लिश हुआ था जिसका टाइटल था कि पॉपुलर ट्रैवल ब्लॉगर शुभ जर्नी अपलोड्स 2 व्लॉग्स ऑन यूट्यूब इनडायरेक्टली प्रमोटिंग जरवा टूरिज़्म। और ये जो उनका दोनों वीडियो है वो सेक्शन 7A2 ऑफ एमेंडेड पैट रेगुलेशन 2012 को 12 अट्रैक्ट करता है और उनके ऊपर केस बुक किया जाए, जिसके बाद 31 जनवरी को, 2 जनवरी को जो है मैंने ये न्यूज़ अपलोड किया था अपने वेबसाइट में और न्यूज़ स्टोरीज़ के ज़रिए बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी ये न्यूज़ गया था। और उसके बाद 31 जनवरी को FIR रजिस्टर हो जाता है और इसमें FIR में क्लियरली लिखा है कि निकोबार टाइम्स के रिपोर्ट के बाद उन्होंने जो है ये कंप्लेंट दिया PS सेंट्रल क्राइम स्टेशन को और उसके बाद जो है ये FIR रजिस्टर हुआ। तो संजय कुमार स्वामी बहुत अच्छा व्लॉग्स बनाते हैं, बहुत बढ़िया ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं, काफ़ी अच्छा वो ट्रैवल ब्लॉगर हैं, पर उनका एक छोटा सा गलती जहाँ पर वो जरवा टूरिज़्म को प्रमोट करते दिखे अपने दो वीडियोस के ज़रिए, उसके वजह से उनके ऊपर अंडमान निकोबार के PS सेंट्रल क्राइम स्टेशन में ये FIR आज लॉज हुआ है। काफ़ी ज़्यादा फेमस यूट्यूबर है वो, हम नहीं चाहते कि अंडमान में आए हुए किसी भी मेहमान के ऊपर या किसी भी ट्रैवल ब्लॉगर के ऊपर या किसी भी तरह के लोग के ऊपर किसी भी तरह केस रजिस्टर हो, पर उनको जो है अंडमान निकोबार के एबोरिजिनल ट्राइब्स का जो है रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। उन ट्राइब्स के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो भी लॉज बनाए गए हैं, उन लॉज को जो है प्रॉपरली मानना पड़ेगा। क्लियरली जिरगाटांग जहाँ से कन्वे स्टार्ट होता है जरवा रिज़र्व एरिया के अंदर से, मतलब कन्वे में जाना पड़ता है मिडिल स्टेट के लिए, जिरगाटांग से कन्वे स्टार्ट होता है तो वहाँ पर पुलिस अनाउंसमेंट करता है बाकायदा और बाकायदा बताता है, पर फिर भी इस तरह के वीडियोस बनते हैं। इस वीडियोस में हालांकि कहीं भी जरवा ट्राइब्स को नहीं दिखाया गया, किसी भी जगह इन दोनों वीडियोस में जरवा ट्राइब्स को नहीं दिखाया गया, पर ये इनडायरेक्टली क्लिकबेट टाइटल्स के ज़रिए जो है जरवा टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे थे। और इस तरह का अगर ये करते रहेंगे तो लोग यहाँ पर सिर्फ जरवा देखने के लिए आना चाहेंगे, जो कि काफ़ी गलत है। किसी भी ट्राइब के नाम पर जो एबोरिजिनल ट्राइब्स हैं जो कि जंगल में रहते हैं और उनके नाम पे टूरिज़्म नहीं होना चाहिए। ह्यूमन सफारी टर्म दिया गया था अंडमान में जब बहुत बड़ा जो केस आया था जरवा टूरिज़्म को लेकर, उसको ह्यूमन सफारी नाम दिया गया था, काफ़ी अनफॉर्चुनेट था। और इस तरह का चीज़ अंडमान में और नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने न्यूज़ बनाया था। और आज ये बड़ी खबर है कि इनके ऊपर जो है 31 जनवरी को ही एक FIR हो गया था और ये FIR PS सेंट्रल क्राइम स्टेशन में रजिस्टर किया गया। बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर हैं वो और इन बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर हैं और उनका उनके चैनल में जो है 2.22 मिलियन जो मेन चैनल है शुभ जर्नी नाम का, उसमें 2.22 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा ये ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं। और इनके ऊपर यहाँ पर अंडमान निकोबार में एक FIR रजिस्टर हुआ है निकोबार टाइम्स के रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद। धन्यवाद।